Dayı ödülüyor. Daha ne? Aa, bol bulgur aldım ay. Oh shit! बदतमीज कहीं का, सूरदास होता, सूरदास, हाँ? मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए तूने, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, गवार सब। हमने नहीं गिरा, किसी ने पीछे से धकेल दिया। कहने का क्या मतलब है? पीछे से हमने धक्का मार दिया, है? हाँ? यही मतलब है ना तुम्हारा कहने का? कि तू क्या कर रही हो? बड़े आए बराबरी करने वाले। अरे जॉन काम का आदत नहीं, वो काम काहे करना? अरे भौजी सुना नहीं है, अधजल गगरी छलकत जाए। चले आ गए हैं, देखे बराबरी करना शुरू कर दिए। अरे बराबरी करने से मिल का गया, तुमरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया सो अलग, और ऊपर से टेबल कुर्सी पर बैठ के खाने की आदत नहीं है वो उसकी पोल खुल गई सो अलग। अरे जमीन पे बैठ के खा लेते तो अनवा कहता का कि हम पेट के अंदर नहीं ना जाएंगे। बाप रे बाप, सब चुद्दर वाली आदत है। हाँ। नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? हम तो सही कह रहे हैं चाची जी, आपको काहे बुरा लग रहा है? आपके रिश्तेदार लगते हैं का? हाँ हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। जब दुल्हन हमारी है तो ये सब हमारे रिश्तेदार ही हुए ना। दुल्हन तुम्हारी है तो दुल्हन को लेकर चाटो। चलो भोजन, खाना नहीं खाएंगे। मैं बोला, अरे वो कहा है ना कि उनका बहुत महंगा सूट जो खराब हो गया, यही से गुस्सा की है। अच्छा चलो अब खाना खाओ। नहीं दीदी, हमको खाना नहीं खाना है, हमको घर जाना है, हमको माँ के पास जाना है। संगीता जी, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। क्या है? आज जो आपकी ओ अच्छा नहीं की, उतना छोटा बच्चा को आप उसे डांटती, हमको नहीं अच्छा लगा। हाँ तो अब हमको अपने घर में अपने हिसाब से नहीं, तुम्हारे अच्छा लगने और नहीं लगने के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और वो हमको तुमसे सीखना पड़ेगा। समझती का हो तुम अपने आप को? कोनो रानी और महारानी? कान खोल के ये बात सुन लो, इस भ्रम में मत रहना तुम कि जैसे तुम भैया के दिल पे हुकूमत जनाती हो ना, वैसे हमारे और पूरे परिवार के दिल पे हुकूमत जनाओगी। तुम नौकरानी थी, कहे गई कहिए ना, आप जब इतना भूलिए दिए तब आगे भी बोल दीजिए। हाँ बोलूंगी, तुम नौकरानी थी और तुम्हारी हैसियत नौकरानियों वाली है। तुम सिर्फ भैया की पत्नी हो, मैं तो कहती हूँ भैया का पैर जाकर के धो। कहे कि उनकी वजह से तुमको इस चार दीवारी में रहने का मौका मिला और सर छुपाने के लिए छत मिला। तुम इस घर के लोगों के लिए ना बहू थी, न हो और ना बन पाओगी। समझी तुम? जाओ यहां से, जाओ। Thank you.
नहीं आप? हाँ बेटा। आइए अंदर आइए ना। क्या बात है मामा जी, आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। पिता बात ही सीरियस है तो सीरियस तो रहना होगा ना। पर क्या हुआ है तनी बताइए ना हमको। बेटा भाई साहब। बाबू जी क्या हुआ है बाबू जी को बताइए। मामा जी कैसे हैं? कैसे बाबू जी? ठीक नहीं है, उनका तबीयत फिर गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया? पर वो तो ठीक हो गए थे। अरे कहाँ ठीक रहेगा, मोर्चा लगा बर्तन में से क्या मोर्चा निकलता है? नहीं निकलता है बेटा, नहीं निकलता है। वो हाल उनका और उनके बीमारी का है। बीमारी को छिपा छिपा के ठीक होने का ढोंग करते हैं। तब तक कहाँ तक करेंगे? एक नहीं एक दिन बीमारी उनका कसर निकाल लेंगे। लेकिन उनका दवा तो चल रहा है ना, बताइए मामा जी उनका दवा। अरे बेटा दवा के लिए पैसा चाहिए, दवा मुफ्त में थोड़ा ही मिलता है। दिदिया के पास जितना था ला करके देती थी, अब नहीं है तो वो क्या करे, कहां से लाए? दवा इतना महंगा हो गया है। आप तो बेचारे अपने स्वभाव की मौत करेंगे। नहीं मामा जी ऐसा मत बोलिए, हमारे बाबूजी की देख ऐसा मत बोलिए, ठीक हो जाएंगे। हम जानते हैं मामा जी, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। मां तू चिंता मत कर बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुम्हें इस घर में मान सम्मान सब मिले, उसके लिए मुझे भूखे मर कर भी संतोष रहेगा, संतोष रहेगा, संतोष रहेगा, संतोष रहेगा बेटा। तू आराम से जाना, आराम से बेटा, आराम से रहना बेटा, सुखी रहना। पुनीत ने किया है ना पिताजी, उसके कारण इस घर की सारी हंसी खुशी न जाने कहां बिला गई है। पुनीत को जो करना था तो कर लिया, हमको जो करना है सोच लियो और निर्णय ले लिए। अब चैप्टर बंद करो। सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने से सांप नहीं मिल जाए। दया अब तुम लोग नॉर्मल जिंदगी जियो। हाँ दया जाकर बिजनेस संभालो, घर पर बैठकर कुड़ने और कपार पिटने से बिजनेस नहीं चलेगा, समझे कि नहीं? जी भैया। हाँ भैया जी, प्रणाम भैया जी। गोला की पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। बाकी आप हैं कौन? हम आपको पहचान नहीं रहे, अपना परिचय दीजिए। बिहारी, बिहारी नाम है हमारा। हाँ बिहारी प्रसाद चौधरी छपरा वाले, यहाँ कदम कुआं में हमारा ऑफिस है। कदम कुआं में? कदम कुआं में। हाँ कदम कुआं में। बिहारी बाबू प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राज बाबू हमको पहचानते हैं? आप कैसे आ गए, हमें आदेश दिए होते हम आ जाते। अरे बात करने के लिए ना, आपकी तरफ से खखर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, फिर मैंने सोचा कि हम ही चले चलते हैं, मिलकर के नैना जी से बात कर लेंगे। और साथ ही साथ उनको कन्विंस भी कर लेंगे। अरे नैना जी ने प्रोग्राम में गाने से मना कर दिया, समझा करिए। सुनिए राज बाबू, जरा इधर आइए।
ये क्या, ये कन्विंस करने की बात, क्या कन्विंस करने की बात कह रहे हैं? अरे नैना जी को प्रोग्राम में गाना गवाने के लिए, आप चिंता मत की, हम समझा दें। आपको समझाने की जरूरत नहीं है राज बाबू, प्रोग्राम में गाना गाने, क्या नाम है आपका? बिहारी जी? बिहारी? हाँ, नहीं गाएगी नैना गाना होना कुछ? अरे भैया सुनिए सुनिए, आपने पांव छूकर आशीर्वाद लिया इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। बाकी दया ने कह दिया कि नैना नहीं गाएगी तो नहीं गाएगी, आगे कुछ नहीं। दरवाजा खुला है, जा सकते हैं। बढ़िया है नैना की बुकिंग कर लिया। राज बाबू, जो काम मैं करता हूं वही काम आप भी करते हैं। जी मालूम है। मैं इस प्रोग्राम के लिए जो वादा किया हूं वो वादा अगर फेल हो गया तो मैं आपके सारे प्रोग्राम कैंसिल करवा दूंगा। अरे आप सब... आप मेरी ताकत का अंदाजा जानते हैं? अरे मालूम है महाराज, आपकी ताकत कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन अब समझा करिए ना। चाचा जी ने जो बोल दिया ना, तो पत्थर का लकीर है, नहीं बदल सकता, समझने का कोशिश करिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि एक बार मुझे नैना जी से मिलने तो दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं, ये घर के बहू बेटी बाहर के आदमियों से बात नहीं करती है। तो समझ लीजिए, मेरी ताकत का अंदाजा तो आपको है ही, मैं आपका कैरियर चौपट कर दूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बिहारी बाबू, अरे तनिक ठहरिए, शांत हो जाइए, हम है ना बात करने के लिए, रुकिए। राज बाबू कहा है, एक बार नैना से बात करके देख लीजिए ना, हो सकता है कि वो भी गाना गाना चाहती है। नहीं फूफा जी, वो सबके सामने मना कर दिया, तो नहीं गाएंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप मनाएंगे तो हो सकता मान ले, और अगर नहीं, बता रहे ना नहीं गाएंगे मतलब नहीं गाएंगे, समझी करिए। देखिए अगर वो मान गई ना, इनकी चिंता छोड़ दीजिए, शादी के लिए भी तो ऐसे ही कर रहे थे, बाद में मान गए थे ना, इस बार भी मान जाएंगे। जाइए ट्राई तो मारिए। सही कह रहे हैं फूफा जी, ये भैया का करियर चौपट हो गया तो हमारा करियर भी चौपट हो जाएगा। एक बार नैना भौजी से बात करके देखते हैं। अब बिहारी बाबू आप बाहर स्विमिंग पूल पे इंतजार करिए, हम आखिरी ट्राई करके आते हैं। भगवान तुमको इतना अच्छा आवाज दिया है, इतना अच्छा गला दिया है, नहीं कहूँ और गाना गाने में बुराई का है। बच्चे के बारे में सोच, कपिल कैसे पड़ेगा, अच्छा अच्छा स्कूल में तुम पढ़ाओगे कैसे, बताओ। देखो भगवान, अगर बात बोले जितना तू बोल रही है ना, तुम अपने मन से नहीं बोल रही है ना, तू ये ससुराल वालों के डर और दबाव से बोल रही है, इस डर को मन से निकाल दो। काम है का? कोई काम के लिए हाँ बोलने वाला हो तो काम बोले ना। कहिए ना, क्या बात है? बिहारी बाबू आए हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले उन्हें। हमारे तो मछली के कांटा की तरह कलह में फंस गए। ये सोचिए कितना डिमांड है आपका, इतना से दौड़ के आए, लेकिन आप हैं कि ठीक, हमारा तो सेक्रेटरीशिप ये सब गया, सब पानी में गया, बोल देते हैं उनको, मना कर देते। सुनिए भैया जी, सुनिए, हम गाएंगे। प्रोग्राम में जाएंगी आप गाना गाएंगी? हाँ भैया जी, और अगर आप चाहें तो उनको भी बता सकते हैं। हे भगवान, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? अरे तेरी लीला अपरंपार है,
कब क्या करते और कब क्या, कोई समझ ही नहीं पाया। लाख लाख शुक्रिया भगवान, लाख लाख शुक्रिया, जो जो नैना भजी कहीं नहीं। भैया जी, अभी तक आप यहीं खड़े हैं, जाके बता दीजिए कि हम प्रोग्राम में गाना गाएंगे। हम अभी जाके कहते हैं, हम अभी जाके कहते हैं, आज मेरे नहीं, आज मेरे नहीं है जमीन पे। अरे क्या बात है राज बाबू, बड़े खुश हैं आज? माफ कीजिए चाचा जी, हम थोड़ा जल्दी में है। अरे सुनिए सुनिए, काहे की जल्दी, बात क्या है? बात दरअसल ये है कि नैना भाभी ने बिहारी बाबू के प्रोग्राम में गाने के लिए हाँ कह दिया है। क्या नैना बगैर हमसे पूछे गाना गाने जा रही है? क्या बक क्या रहे आप? बक नहीं रहे, अगर आपको यकीन ना हो तो आप नैना भाभी से पूछ सकते हैं। नैना हमसे बिना पूछे गाना गाने गई है? ठीक है, अब तो पूछेंगे नहीं बेटा, अब तो पूजेंगे। के है? अरे जाके देखिए ना, दया होगा, देखिए। भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। हाँ दया। बबुआ जी, जी वो थोड़ा भैया से बात करनी है। आइए। भैया भैया आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब पानी जो है नाक से ऊपर चढ़ चुका है। अरे बात का ही बताओगे कि नाक और पानी का उदाहरण देते रहोगे? आप बताएं भैया, वो हमारी बहू जी, हमारी बहुरिया वो नैना जी, बगैर हमसे पूछे बगैर हमारे इजाजत के प्रोग्राम देने जा रही है, गाना गाने जा रही है। जी ये लड़की तो हम लोगों की नाक कटवा के रहेगी। ये सुन के प्राण मत त्यागो। के बोला तुमसे? बोलो कौन बोलेगा, वो हमारे चहेते जो है ना राज बाबू, उन्होंने बताया प्रोग्राम देने जा रही हैं। भैया आप कुछ करना पड़ेगा। बबुआ जी, अब तो हमका एक ही रास्ता नजर आ रहा है, एक पुरिया चूहे मारने वाला जहर ले आइए, खा के कहीं मर जाए, ना देखेंगे ना कोई बात बुरी लगेगी। नैना, 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 जी बाबूजी। कहाँ सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं बाबूजी? यही तो हम पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है सब, क्या हो रहा है सब? हम पूछते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बगैर पूछे बाहर गाने गाने का फैसला लेने का? अरे जिसमें संस्कार होगा वो ना पूछेगा चाचा जी, लेकिन इसमें ना तो लाज है, ना लिहाज है, ना संस्कार है, ये पूछेगी कभी? अरे काहे पूछेगी,